अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कौन से इलाके में? हैदराबाद। जी हाँ, और हम लोग यहाँ पर आए हैं कहाँ पर? द फ्लेम। द फ्लेम, और ये है हमारे फेलो यूट्यूबर द ग्रेट मोहम्मद अली। उनके रेस्टोरेंट में उन्होंने अपना नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, तो बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर हमारी जिम्मेदारी है, फूड कम्युनिटी मेंबर, द यूट्यूब कम्युनिटी मेंबर, हमारा फर्ज है कि हम जाके खाना खाएं और अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, सो इट्स टाइम टू सपोर्ट और इट्स टाइम टू ईट दिस ब्यूटी। बाय द वे, इट्स इजी टू फाइंड। अगर आप हैदराबाद चौरंगी पे, मतलब चार मीनार चौरंगी पे, तो वहाँ से जो तारिक रोड की तरफ रास्ता जा रहा है उस पे आप जाएंगे, गली में आपको दिख जाएगा द फ्लेम। इसी से भी पूछ लें आपके भाई द फ्लेम, गूगल पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, यू विल फाइंड इट, इट्स वेरी इजी। सो इट्स टाइम लेट्स फाइंड अली। आ गए हम लोग। ठीक है, ये इसका मेन्यू है और मेन्यू की पता तनु की है। अब हम ऑर्डर देंगे सर, क्या ऑर्डर देंगे? सवाल आपसे, द बेस्ट वेटर से पूछना जरूरी होता है। अफगानी बोटी, मलाई बोटी, पीना कोलाडा, ब्लू कोलाडा, क्रिस्पी जम्बो रोल, मलाई चीज रोल। अरे तो 10 लोग आए सर, ये है, आप खा लेंगे, पार्सल ले जाएंगे, आप पार्सल ले जाएंगे, आपको भी खाना पड़ेगा हमारे साथ, खाएंगे टेक्सस बर्गर। टेक्सस बर्गर, ठीक है सर, ये डायरेक्ट टेक्सस से आता है, यूएस टेक्सस से अभी ऑर्डर करेंगे। कस्टम हाउस मसला है कि उसके अंदर टैक्सेस बहुत लगे सर। टैक्सेस, ठीक है, टैक्स निकाल, टैक्स निकाल, हाँ। एक रोल, एक बारबेक्यू क्लब सैंडविच, रोलिंग है टैक्सेस, बारबेक्यू क्लब सैंडविच, एक और क्या? बाय द वे, डू यू हैव स्टार्टर्स? या वी डू हैव स्टार्टर्स बाय द वे, तो उसमें चिकन स्ट्रिप्स एंड डायनामाइट चिकन, गेट डायनामाइट चिकन। डायनामाइट सर, डायनामाइट बड़ा लेवल सर, देख के लाना फटा जाएगा। ग्रेनेड डायनामाइट चिकन के साथ सर, डायनामाइट चिकन, पेटी बम बीफ, हाउ प्यार करें बीफ, हाउ प्यार करें। बाय द वे, बम पटाखे का नाम था, हम बचपन में पढ़ा करते थे, आप गलत मतलब नहीं लीजिए। पहली बारी में समझ नहीं आया, मेन कोर्स की जगह यही मंगवा लेते। पहली बारी में समझ नहीं आया, मैं दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। टेस्ट रियली गुड, वेरी ऑथेंटिक डायनामाइट सॉस। एक्चुअली आई एम यूज्ड टू हैविंग दिस डायनामाइट प्रॉन्स, लेकिन ये चीज़ मेरे थोड़ी सी नहीं है, बट एक्सेप्टेबल है, इट्स टेस्टी। आमिर भाई को अंदर डायनामाइट के धमाके और आमिर भाई के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स डायनामाइट चिकन। खत्म कर ली, और कब आ रहा है अगला क्या आ रहा है भाई नेक्स्ट? सर, सौ दिन हो रहा, खाना आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है हमें बता सकते हैं? तो यस, वी हैव दिस बिहारी बोटी रोल, ठीक है। बिहारी बोटी रोल में सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, बाकी किस्म के रोल नहीं पसंद क्योंकि मोर जूसी, ठीक है। ये हमारे पास टेक्सस बर्गर, टेक्सस बीफ बर्गर, बीफ बर्गर की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है टेक्सस बीफ बर्गर में होती है,
वो ये है कि इसमें होते हैं अनियन रिंग्स जो मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं. आई लव अनियन रिंग्स. उल्टी बात करने वाला. अच्छा एक हमारा आ रहा है बारबेक्यू क्लब सैंडविच. yes. इसका शिद्दत से इंतजार है. इट्स ऑलमोस्ट हियर. इट्स ऑन इट्स वे टू. और सबसे स्पेशल चीज़ जो मैंने पहली मरतबा कहीं पे देखी है वो है दिस ब्लू कोलाडा. ये ब्लू कोलाडा, ये पीना कोलाडा जो कि स्पेसिफिक ऑथेंटिक पीना कोलाडा होता है. तो फिर खौतिन हजरा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान ने आया है हम करने वाला है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. वेरी नाइस सर. ये आप ट्राई करें. स्ट्रॉ की कमी है तो स्ट्रॉ अपना लेके आए. ओह दिस इज गुड. दिस इज गुड. अच्छा ये पीना कोलाडा है लेकिन इसके अंदर कोई सिरप डाला हुआ है. आई गेस दिस इज ब्लूबेरी पीना कोलाडा. ब्लू कोलाडा कहते हैं इसको ना. ब्लूबेरी पीना कोलाडा. अच्छा तो ब्लूबेरी वाला सिरप. बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि ये टेस्ट कभी आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है. मतलब ये टेस्ट दिस इज गुड. दिस इज रियली गुड. दिस इज न्यू. ठीक है दिस इज वेरी न्यू. ये सर अभी इंपोर्ट किया है सर. आ रहा है रास्ते में. आ रहा है. 98 आउट ऑफ 100. दो मार्क्स मैंने फिर छोड़े क्योंकि काट दिया अभी. दिस इज गुड ब्रो. रियली आपकी छोड़िए सर. इसको हम ट्राई करेंगे सर. इसको हम ट्राई करेंगे या तो सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ. पहले हम ट्राई करते हैं इसको सॉस के साथ. ठीक है. वही बहुत अच्छा. ये वाकई बहुत आला है. दिस इज वेरी गुड. बिल्कुल सादा सर. ये सादा बिहारी बोटी. रोलर मैंने उसको बोला था यार बिहारी बोटी यूजली बहुत नरम होती है तो हलवे की तरह हो जाएगा वो. ठीक है. सो उसको एक रखना है कि बिहारी बोटी को थोड़ा सख्त रखना है ना. मीडियम रेयर वाला स्टाइल. दिस इज़ वेरी नाइस. पराठा बहुत क्रिस्पी है. इतना ज़्यादा मुझे ऑयल फील नहीं हो रहा. ठीक है. उसको हम जब इस सॉस के साथ या चटनी के साथ खा रहे हैं. दिस सॉस इज गुड. कौन सी सॉस है यार? चटनी चेक करूँ मैं. देसी बोआ लिया. दिस इज़ इंग्लिश. आपने खुद बनाया सर? ये खुद बनाया आपके लिए सर. थैंक यू सो मच. आपका प्यार है. अली के बारे में एक बात बता दो चले. ये दुनिया का वाहिद रेस्टोरेंट है जहाँ पर जहाँ का ओनर वेटर है. ठीक है. शेफ है. स्वीपर है. ठीक है. गटर पहले पार्किंग सर. पहले भी पार्किंग भी करता है. गटर के ढक्कन भी साफ करता है. अपनी होटल की रेस्टोरेंट की प्रेमिसेस में जो जो काम होता है अली खुद करता है. इसका आई विल टेल यू वेरी ग्रेट थिंग. अभी तो कहते हैं हरफन मौला. इसको मैं आपको बताता हूँ क्यों. मैं अभी आई मेट दिस गाय अभी मेरी ट्रिप के साथ थे तो उनके 12 रेस्टोरेंट्स हैं. उन्होंने मैंने कहा आपके 12 रेस्टोरेंट्स हैं मैं अभी पहला खोलने जा रहा हूँ तो मुझे क्या टिप देंगे. कह रहे हैं अपने रेस्टोरेंट पे ₹5 टिप दी. उन्होंने मुझे बोला अपने रेस्टोरेंट पे अगर नौकरों की तरह काम करोगे तो मालिक बनने का तुम्हें मौका मिलेगा. अगर अपने रेस्टोरेंट पे डे वन से मालिक बन के बैठोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे. वेरी मोटिवेशन. तो मैं अपने अगर रेस्टोरेंट पे हूँ तो मैं जो काम होता है मैं करता हूँ, हेल्प करता हूँ. वेरी मोटिवेटेड. एंड दैट्स अली जालिया वाला. अली जालिया वाला मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाला है. अली महेश्वर मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाला है भाई. ये तो सर ये रोल अच्छा था. यू लव दिस. यू लव और जॉन सर दोबारा हम ऑर्डर करें. वन मोर वाला सीन हो गया. पहली मतलब कभी इस तरह नहीं करता. ये घटिया करके लाती है. लेकिन ये पहली मरतबा मैंने बोला कि भाई एक और मंगवा लेंगे. आप लोग पहले ट्राई करो, स्टार्ट करो. ये वाला रोल एक और मुख का शरबत पीना है. बताओ कौन सी फिल्म का डालोगे? रंगीला. आप लोग कमेंट करके बताएं. आप बताइए कौन सी फिल्म का डालोगे? ये फेंकता है मुफ्त का शरबत पीने आया है. नेक्स्ट थिंग इज टेक्सास बर्गर. आमिर भाई देंगे बर्गर का रिव्यू. आमिर भाई बहुत बर्गर. This is the Texas burger. Bun. Did you try? This is beef. This is cheese and this is love. It's onion ring. I love it. और by the way मैं अगर बन कबाब भी बाहर से खाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भाई काटना नहीं क्योंकि हम चलते हैं मैकडोनल्ड्स का. क्योंकि मैं और दानियाल हम लोग सारा फूड शेयर करते हैं तो इसलिए इसको काटें. तो इसको पहले हम निकाल देंगे. मुझे अच्छा लगता है कि वो जो एक तरफ से लेकिन मेरी ग्रिप अच्छी है बर्गर पे. इसमें जो चीज़ गेम कर रही है ना वो उसकी चीज़ है. This is like an imported. This is like an imported cheese. ये नागौरी दूध वाले की चीज़ नहीं है. ये अच्छी चीज़ लग रही है. देन दिस बीफ पैटी इज नाइस जूसी. और ये जो अनियन रिंग आ रही है ना ये गेम कर रही है. That best friend. मैं केचप वाला बॉय हूँ. मुझसे केचप के बगैर नहीं खाया जाता. वेरी सॉरी आमिर भाई. केचप के जो केचप अंदर है सिर्फ वही है बाहर कुछ नहीं. अभी हमारे लोगों ने एक बंदा पकड़ा गिरे एक ग्रेट आर्मी का. ठीक है. इसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है. ठीक है. इनसे भी हम इंडिया को नेचुरल रिव्यू लेते हैं.
ग्रेट आदमी का बंदा है लेकिन मुझे नहीं पता अगर इसने गाली दे दी नहीं खाना नहीं, चाहिए नहीं, तो वो हम बिल्कुल ऑन एयर ये लाइव जा रहा है ठीक है या। तो सर ये आप खाएं ट्राई करें और बताएं कि कैसा लगा बारबेक्यू क्लब ठीक है वेरी नेचुरली ठीक है पूरा खा ले और एक्सप्लेन करें टेस्ट को कि कैसा लगा आपको। हाँ भाई बाहर से बहुत टेस्टी है क्रिस्पी है मतलब बाहर चले जाओ तो क्रिस्पी लगता है और रेस्टोरेंट के बाहर जाके खाओगे सॉस जो है वो बहुत अच्छी है। कौन सा सॉस है ये बारबेक्यू सॉस है बारबेक्यू सॉस वो बहुत अच्छी है और जैसे और उसमें होता है फीकी होती है लेकिन इसमें ज़्यादा चिल्ली है इसलिए मज़ा आता अच्छा ये मतलब मिर्चें अच्छी लगी मतलब आप कह रहे हो कि सैंडविच के अंदर थोड़ा स्पाइसी सैंडविच है इस वजह से और मज़ा क्या और बड़ी बड़ी थिंग और क्या इसके अंदर डिफरेंस है इसके अंदर जो चिकन डली है वो बिल्कुल नरम है नरम है। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने भी यही करा हुआ है। अच्छा ओके व्हाट्स योर नेम ब्रो? कोबैब 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 नाइस टू मीट यू हाउ इज द एंबियंस यू लाइक इट? आई लाइक द एंबियंस और उसके साथ आपने जो ये तस्वीर लगाई है ना और उनको अपने द गुड द बैड एंड द फ्लेम डेजर्ट का मेन्यू क्या क्या है? सर प्लेन ब्राउनी है हमारे और बहुत अच्छी है और आइसक्रीम है। ओह वेरी नाइस आइसक्रीम ले आए सब लें। लुक एट दिस ब्यूटी सवा तीन हजरात ये इनका ही गरम गरम अच्छा ब्राउनी काफ़ी गर्म है फ्रेश बेक दिस इज वेरी फ्रेशली बेक्ड द गुड पार्ट इज इट्स फ्रेशनेस क्या फ्रेश आइटम है बहुत ऊपर वेनिला आइसक्रीम डली हुई है उसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग उसके नीचे नीचे गरम गरम ताज़ी ताज़ी चॉकलेट ब्राउनी वाव व्हाट अ टेस्ट। डेजर्ट में जो ये गरम और ठंडे का कॉम्बिनेशन होता है ना हाँ ये बड़ा काफ़ी है। तू खा ले भाई हारून हारून खा ले ब्राउनी ब्राउनी आपके हाथ में मिक्स करके ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं मुझे ब्राउनी चखनी एक दफ़ा जिंदगी जिंदगी में पहली बार ब्राउनी चखा है जिंदगी में पहली बार ब्राउनी खा रहे भाई ये ब्राउनी बहुत सारे ब्राउन है बहुत क्लास की कॉमेडी कर रही है आगे और बस अच्छी है बहुत अच्छी है। हारून शर्मा नाम हुआ इसका कपिल शर्मा के बाद कपिल शर्मा का हारून शर्मा नया कॉमेडियन आया हमारे पास ठीक है ये हलाल जोक मार हलाल जोक मार। क्या खाना था क्या रोल थे क्या बर्गर था क्या सैंडविच थे क्या पीना कोलाडा और ब्लू कोलाडा था खवातीन और यार इट वाज रियली गुड एंड द डायनामाइट क्या डायनामाइट था बॉम्ब। थैंक यू गाइस एंड इसी तरह आप लोग भी प्लीज कम टू द फ्लेम्स आई होप यू गाइस एंजॉयड द फूड वी एंजॉयड अ लॉट और मेरी दुआ है कि हमारे फेलो यूट्यूबर जो हैं अल्लाह इनको तरक्की दे थैंक यू जल्द से जल्द और आई होप कि और ब्रांचेस खोले इंशाल्लाह। हां कराची में जिस तरह से नुसरत ने दुनिया के हर शहर में खोली हुई इस तरह से फ्लेम्स की अली आके यू कराची के हर इलाके में स्लैट्स हम लोग रात में हैं और अली का कहना है कि दिन में आएंगे तो फ्रेश बिरयानी मिलेगी तो फ्लेम्स आने हैं आपने फ्लेम्स आने हैं खाना खाना है और हमें बताना है खुश रहें खाते रहें सर पियामान अल्लाह दे दें सर सर ये बहुत आला दे दिया पियामान